आईटी जेई 2004 का है और सरले अप्रेटिस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सरले अप्रेटिस में जो लेंथ होता है, उसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया जाता है। उन्होंने लिखा भी है देखिए, और इस अप्रेटिस में क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन यंग मॉडुलस। तो सबसे पहले कि यंग मॉडुलस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेन एल अपान एल इक्वस टू यंग मॉडुलस। एफ वेट है जो आपने एक्स्ट्रा वेट किया है, ए एरिया है, एल इलोंगेशन है और कैपिटल एल क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है। अच्छा, दिस इज व्हाट इज स्मॉल एल, स्मॉल एल इज इंक्रीजिंग लेंथ आफ्टर एक्स्ट्रा वेट ऑफ एफ। एफ के बराबर जो एक्स्ट्रा वेट दिया है उसके वजह से कितना लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ये स्मॉल एल है। और एल इनिशियल लेंथ है जिसके बाद आपने एक्स्ट्रा लेंथ रखा है। पढ़ते हैं, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ स्क्रूगेज वाज मेजर्ड बाय इतना, तो स्क्रूगेज से इसका डायमीटर मेजर करते हैं और इसमें कितने का इंक्रीजमेंट आ रहा है वो किससे मेजर कर रहा है। द लेंथ ऑफ वायर वाज मेजर बाय मीटर स्केल, लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर रहा है, डायमीटर स्क्रूगेज से मेजर कर रहा है और एक्सटेंशन जो है वो माइक्रोमीटर से मेजर कर रहा है, माइक्रोमीटर से मेजर कर रहा है कितना एक्सटेंशन होगा। तो पूछ रहा है बताइए यंग मॉडुलस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सिंपलीफाई कर लीजिए, ये बनेगा एफ अपान ए इज व्हाट, इट इज पाई डी स्क्वायर बाई फोर, एल कैपिटल डी से यंग मॉडुलस लिख लेंगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो बनेगा एल एन फोर अपान पाई प्लस एल एन एफ प्लस एल एन एल माइनस एल एन स्मॉल एल माइनस टू एल एन डी बराबर एल एन वाई। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो कांस्टेंट है तो जीरो डिफ्रेंशिएशन देगा, जीरो प्लस एफ। फोर्स के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है, 50 न्यूटन है एंड एक्सटर्नल लोड ऑफ 50 न्यूटन अपलाइड, तो फोर्स के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है तो डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा। प्लस एल लेंथ के मेजरमेंट में एरर है क्योंकि लेंथ वो मीटर स्केल से मेजर कर रहा है जिसके अंदर लीस्ट काउंट है, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा तो बनेगा डेल एल अपान एल प्लस एल जो है वो एल इलोंगेशन है और इलोंगेशन माइक्रोमीटर से मेजर कर रहा है और माइक्रोमीटर के पास लीस्ट काउंट है तो इसमें भी एरर आएगा, तो डेल एल अपान एल प्लस टू इंटू डी, डी मेजर कर रहा है स्क्रूगेज से तो उसमें भी लीस्ट काउंट है तो इसमें भी एरर आएगा। इसी को आप क्या करेंगे इज इक्वल टू डेल वाई अपान वाई, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा कि मुझे मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना है, मैक्सिमम एरर, इसीलिए हमने इस माइनस को भी यहाँ पे लाते वक्त प्लस कर दिया क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। चलिए अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डेल एल, डेल एल आप किससे मेजर कर रहे हो, लेंथ किससे मेजर कर रहे हो, मीटर स्केल से, जिसके लिए काउंट 0.1 है तो आप यहाँ लिखेंगे इसके जगह पे 0.1 डिवाइड बाई लेंथ कितना है इसका 110, यहाँ पे 110 लिख दिया। प्लस डेल एल, एल क्या है इंक्रीजिंग लेंथ है जो कि आप किससे मेजर कर रहे हो, माइक्रोमीटर से, लीस्ट काउंट क्या है 0.001 डिवाइड बाई इंक्रीज कितना हुआ था 0.125 प्लस ट्वाइस इंटू डेल डी इज व्हाट डायमीटर जिससे मेजर किया जा रहा है उसका मैक्सिमम एरर है जो कि लीस्ट काउंट के बराबर आएगा और डायमीटर किससे मेजर कर रहे हो स्क्रूगेज से जो कि कितना हो गया 0.001 डिवाइड बाई लेंथ कितना है 0.05 नाउ मल्टीप्लाई बाई 100 इट इज डेल वाई अपान वाई इंटू 100। अब इस वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, जैसे ही कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आएगी 4.89% एंड दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ यंग मॉडुलस एंड दिस इज आवर आंसर्स। तो हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।